सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टेक वीडियो विद पोन को और बेल का आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आप लोग यूट्यूब चैनल बना लिए, उसके बाद उसको कस्टमाइज कैसे करना है। कस्टमाइज का मतलब हुआ कि उस चैनल को सेटिंग कैसे करना है, एक बढ़िया से बढ़िया चैनल का सेटिंग कैसे करना है, उसमें चैनल आर्ट कैसे लगाएं, अपना लोगो कैसे लगाएं, और जो आपका वीडियो का टेलर है, मान के चलिए आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, उसका एक छोटा सा क्लिप है या 30 सेकंड या 40 सेकंड में, उसको कैसे ऊपर रखे, कोई भी बंदा आपका चैनल के थ्रू पता कर सके कि इस चैनल पर क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या बताया जाता है, तो उसके बारे में आज पूरी जानकारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टेक वीडियो विद पवन। दोस्तों अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे दबा लें, और उसके बगल में बेल का आइकन आ रहा है उसे दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर सिखाएंगे कि कैसे अपने चैनल को कस्टमाइज किया जाता है। तो लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गए हैं। होम स्क्रीन के बाद आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑल टेक वीडियो विद पवन यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक मोबाइल एंड सिम ऑफर अनबॉक्सिंग एंड ऐप रिव्यू। इसको कैसे सेटिंग करने हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा होगा फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक। यहाँ पे चैनल का जो लोगो है वो दिख रहा है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सब्सक्राइब का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपका जो वीडियो है वो कैसे कैसे वायरल हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा के पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को पूरा से पूरा लास्ट तक देखें। तो देखिए आपको सबसे पहले चैनल आर्ट लगाना है, इस चैनल आर्ट इसको कहते हैं ऑल टेक वीडियो विद पवन, जो यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो वगैरह उसको आप चैनल आर्ट कहते हैं। तो चैनल आर्ट लगाने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पे कोने में एक पेंसिल सा आइकन बना हुआ आ रहा होगा, इस कोने वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिएगा लास्ट में यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा एडिट चैनल आर्ट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, या आदि अपने चैनल आर्ट पे कुछ नहीं लगाएं तो यहाँ पे कीजिएगा तो आपका आएगा चैनल आर्ट अपलोड। तो यहाँ से आपको क्लिक करके उसके बाद आप अपने चैनल का आर्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा एडिट लिंक। एडिट लिंक क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहा फेसबुक और यहाँ इंस्टाग्राम, इस लिंक को आपको कॉपी करना है। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए एडिट लिंक्स पर क्लिक कीजिए। एडिट लिंक पे क्लिक किए तो देखिए नीचे में यहाँ आ रहा होगा फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम, और यहाँ पे देखिए ऐड, यहाँ पे जो प्लस का निशान बना हुआ ऐड, इस पर आप क्लिक करके और अपना चैनल का यूआरएल सेव करके और अपना चैनल का नाम, सॉरी अपना कोई भी ट्विटर या वेब ट्विटर या फेसबुक का इंस्टाग्राम का आप यहाँ पे नाम दे के यहाँ पे यूआरएल सेव करके डाल के और यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे डन करके ऑप्शन कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है सेटिंग, इस सेटिंग क्या है तो इसको पे क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मिला ऑन करना है, उसके बाद ऑफ करना है, उसके बाद ऑन करना है, उसके बाद ऑन करना है। इसको करने से क्या होगा कि आपका जो चैनल है वो बढ़िया से बढ़िया दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप आ जाइए यहाँ पे होम पे, देखिए यहाँ पे आ जाइए होम पे। होम पे आने के बाद देखिए यहाँ से जो आपका मनपसंद का वीडियो है, जो आपको लगे कि नहीं ये वीडियो हर एक व्यूअर को देखना चाहिए, जो मेरा व्यूअर है उसको देखने से पता चले कि नहीं मैं ऐसा ऐसा वीडियो बना सकता हूँ, ऐसा वीडियो बना के देता हूँ, तो आप यहाँ से देखिए यहाँ पे पेंसिल का निशान हुआ, यहाँ से एडिट करके आप अपने चैनल का लिंक वहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहा होगा। और यहाँ पर लास्ट में ऐड सेक्शन है। ऐड सेक्शन से क्या होता है कि आप वीडियो मतलब रो में रखना चाहते हैं या फिर लिस्ट बाय लिस्ट रखना चाहते हैं, इस तरह से आपको करना होगा। फिर उसके बाद आ जाइए आपका वीडियो प्लेलिस्ट चैनल डिस्क्रिप्शन, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करना। अब जैसे ही अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा, इस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ से पेंसिल का निशान आपको जो दिख रहा हो वहाँ से पेंसिल का निशान, पेंसिल के निशान पे आप क्लिक करके आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं जो आपको व्यूअर को लगे कि अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर बिजनेस इंक्वायरी, यहाँ पे अपना बिजनेस से इंक्वायरी के लिए अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपका जो लिंक्स है वहाँ पे शो हो रहा होगा, लोकेशन आपका इंडिया कर देना। उसके बाद आना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आने के बाद दोस्तों देखिए जो आपने लगाया था आप
ने जो अभी तुरंत लगाया था वो देखिए यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन शो हो रहा होगा। आपको उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, उसके बाद चला जाएगा यहाँ पे ऊपर में, ये आपका चैनल का लोगो है। चैनल का लोगो लगाने के लिए यहाँ पे देखिए पेंसिल का लिंक दिया होगा, पेंसिल का निशान दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। पेंसिल के निशान पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ये डायरेक्ट आपको फोन की गैलरी में ले जाएगा, और वहाँ से आप एक अपना चैनल का लोगो जो बना कर रखे हैं वहाँ से आपको सेव करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको चला आना है वीडियो मैनेजर में। देखिए ये वीडियो मैनेजर है, वीडियो मैनेजर आने के बाद दोस्तों देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे आपका वीडियो शो हो रहा होगा, आपका वीडियो जो आपका वीडियो प्लेलिस्ट है उसको शो हो रहा होगा। अगर आप अपने वीडियो को यहाँ से डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए आपका वीडियो का यहाँ पे सारा डिटेल आ रहा होगा, पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, प्रमोट भी करवा सकते हैं, एडिट स्क्रीन करो कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। आपको आ जाना है सिंपल कम्युनिटी में, कम्युनिटी में आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कमेंट्स का, जो जो आपका वीडियो पे कमेंट्स किया है वो आपका यहाँ पे कमेंट्स देखा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन देख लेंगे सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपका जो चैनल है, जो कौन कौन से व्यूअर आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, कौन कौन से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, कौन कौन से चैनल आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हुआ, ये आपका पूरा यहाँ से सब्सक्राइबर में पूरा डिटेल देगी। और उसके बाद है कम्युनिटी सेटिंग, कम्युनिटी सेटिंग में देखिए क्या होता है, आपको ये सब खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पर ब्लॉक वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। ब्लॉक वर्ड में आप ऐसा ऐसा शब्द लिख दीजिए कि जो व्यूअर आपके चैनल पर कमेंट कर रहे हैं, मान के चलिए जैसे लिखा हुआ है सब फॉर सब, सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर, हैशटैग, ये सब लगा के मतलब आपके कमेंट्स में कुछ दे रहा है, या अपने कमेंट्स में आपके कमेंट्स के बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाके अपने चैनल का यूआरएल डाल रहा है, तो ये सब यहाँ पे आपको ब्लॉक वर्ड करना है। उसके बाद आप क्रेडिट्स, आप उसके बाद क्रेडिट में जाके देखिए यहाँ पे आपका कोई भी वीडियो पेंडिंग में पड़ा हुआ तो ये बता देगा, आपका वीडियो पूरा पब्लिश हो रहा है वो भी बता देगा, रिमूव्ड आप कितने वीडियो रिमूव किए हैं। उसके बाद स्पैम, मतलब आप अपने वीडियो को आपके वीडियो को कोई स्पैम कर रहा है तो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको चलाना है कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए चैनल के ऑप्शन में आप कम्युनिटी के ऑप्शन पूरा सेटिंग सीख गए चारों, अब चैनल के ऑप्शन पर आ जाइए। चैनल के ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो वहाँ पे लगाए थे चैनल का लोगो वो यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे पार्टनर वेरीफाइड, ये वेरीफाइड कर दीजिएगा अपने मोबाइल नंबर से, तब आपका जो कस्टम थंबनेल है वो कस्टम थंबनेल आपका लगाने का सुविधा मिलेगी। ऐसे जब तक अपने चैनल को वेरीफाइड नहीं करिएगा तब तक आपका जो कस्टम थंबनेल है वो लगाने के लिए नए ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद आपका जो मोनेटाइजेशन की पूरा जानकारी है पूरा डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा टर्म एंड कंडीशन मोनेटाइजेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा 4000 वाच टाइम, 4000 घंटा वाच टाइम, और ये 12 महीना 100 सब्सक्राइबर, मतलब एक साल के अंदर आपको 4000 घंटे का वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरा करना है तभी आपका चैनल मोनेटाइजेशन में जाएगा। उसके बाद है अपलोड डिफॉल्ट्स, अपलोड डिफॉल्ट्स में आपको क्या करना है, आप प्राइवेसी आप मतलब आप पब्लिक करना है, कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो आप स्टैंडर्ड लाइसेंस जो कहते हैं आपका लाइसेंस, लाइसेंस मतलब आप यूट्यूब में कौन सा लाइसेंस रखना चाहते हैं, यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस रखते हैं, यूट्यूब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस रखना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है या यूट्यूब लाइसेंस रखना चाहे। उसके बाद यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन है, टाइटल मान के चलिए आपका टाइटल जो हर एक वीडियो के हिसाब से अलग अलग टाइटल होता है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आ गया डिस्क्रिप्शन, देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पे वो शब्द लिखना पड़ेगा जो आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ से आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कोई भी ऐसा सोशल साइट का लिंक दे दीजिए, अपने चैनल के बारे में कुछ बता दीजिए, या आप इस वीडियो में कुछ लिखे हैं वो बता दीजिए, यहाँ से आप मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी वीडियो को पब्लिश करते हैं तो डायरेक्ट ये सब सारे चीज़ आपका डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और उसके बाद आ गया टैग, टैग
हर एक अलग अलग वीडियो के हिसाब से अलग अलग टैग लगाना पड़ता है, क्योंकि टैग वीडियो को रैंक कराने में बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप टैग नहीं लगाइए। उसके बाद मोनेटाइजेशन आपका ऑन है तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन विद ऐड आप स्किपेबल या नॉन स्किपेबल कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आप वीडियो लैंग्वेज है वह यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कोई भी है, अगर किस लैंग्वेज में आप वीडियो बनाते हैं तो आप हिंदी में बनाते हैं तो यहाँ पे हिंदी पुट कर दीजिए। उसके बाद आपको देखिए कोने में यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आ गया यहाँ देखिए, फिर उसके बाद नीचे का आ गया ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आने के बाद देखिए आपका वीडियो को कोई लैपटॉप या पीसी में देख रहा है तो आपको देखे होंगे कि यहाँ पे नीचे में कोने में एक साइड आपका जो चैनल का लोगो है वो दिखाई देता है। उससे आपका कोई भी व्यूअर सब्सक्राइब करना चाहता है तो वहाँ से भी आपका चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, उस पर माउस ले जाएगा तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब लिखा होगा आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अपना वो जो व्यूअर है वो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिफ़ॉल्ट, लेकिन ब्रांडिंग के बारे में कुछ और डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो टाइम है वो अपना वीडियो के हिसाब से, मतलब आप जो वाटर मार्क इसको कहते हैं वाटर मार्क लगा दीजिए, तो मतलब कितने मिनट के बाद आपका वाटर मार्क चालू हो जाए, कितने मिनट बंद होने के बाद वाटर मार्क चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे तीन तीन एंड मतलब लास्ट में आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं या बीच में वाटर मार्क लास्ट में वाटर मार्क लगाना चाहते हैं या फिर जो आपका मनपसंद हो, जब मतलब कस्टम जो कहते हैं कि अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं या फिर इंटर लास्ट में आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आ गया यहाँ पे एडवांस, एडवांस की सेटिंग पे आप क्लिक कीजिए। उसमें देखिए आपका कैटेगरी सॉरी कंट्री इंडिया है, आप कंट्री इंडिया भर दीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद चैनल कीवर्ड, आपका चैनल का कीवर्ड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को ये वीडियो पता चले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।